ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। हम सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण हैं, भगवान की नजरों में रहने वाली महान आत्माएं, ऐसी महान आत्माएं जिनकी पालना स्वयं ब्रह्मा और शिव बाबा कर रहे हैं, जो परमात्म प्यार में पल रहे हैं, जिनका श्रृंगार स्वयं भगवान कर रहे हैं, हमें ब्राह्मण सो फरिश्ता बनना है। देवता बनने से पहले हमें फरिश्ता बनना है, अर्थात बहुत लाइट होना है, संपूर्ण पवित्र बनना है, किसी से हमारा कोई रिश्ता नहीं, अर्थात सारे रिश्ते एक से, बाकी देह के रिश्तों को निभाते हुए उनके ममत्व से मुक्त रहना है, ऐसी स्थिति होगी फरिश्ता। हम संसार में रहें और संसार से पूरी तरह अलिप्त रहें, हम संसार में रहें और इसके आकर्षण हमें अपनी ओर खींच न पाए, हम इस गंदी दुनिया में रहें लेकिन विकारों का जंजाल हमें अपने में फंसा न सके, ये स्थिति है फरिश्ते की। आप सोचेंगे बहुत कठिन स्थिति है, हम तो उलझे हुए हैं संसार में, हम तो कर्म क्षेत्र पर बिल्कुल बंधे हुए हैं, रिश्ते नातों के मोह में भी हम बिल्कुल ग्रस्त हैं। परंतु ऐसा कुछ नहीं है कि इन सब चीजों से हम बाहर नहीं निकल सकते, हमें कुछ योग के अच्छे अभ्यास भी करने हैं और बहुत अच्छा चिंतन भी। रिश्ते और नातों में तो हमें रहना ही है, हम संसार में रहते हैं तो संसार से भाग तो नहीं सकते। आप कर्म क्षेत्र पर हैं, काम धंधों में हैं, अनेक लोगों के संबंध संपर्क में आपको आना पड़ता है, लेकिन एक बात अगर हम रोज पक्की कर लें, एक ही बार पक्की कर लें, ये सब आत्माएं हैं, भले ही आपके बच्चे हैं, आपका पति है, आपकी पत्नी है, आप इस दृष्टि से उन्हें निहारें, ये सब आत्माएं हैं और हम सब आत्माएं सतयुग से चलते आ रहे हैं, कभी किसी संबंध में, कभी किसी संबंध में, कभी हम साथ थे तो कभी दूर थे, अब हमारा साथ मिला है, अब हमें एक दूसरे को आत्मिक स्नेह देना है, इससे मोहम्मत्व छूटता जाएगा। रही बात काम धंधों की, जो मनुष्य को उलझाता है उसमें भी बहुत सहज प्रैक्टिस करते रहें, एक समर्पण भाव, बाबा ये कार्य हम आपके लिए कर रहे हैं, अपने सब कार्य करने के बाद उन्हें प्रभु अर्पण कर दो, पहले भी फीलिंग रखें हमारा हर कार्य ईश्वर अर्थ है, और कार्य करने के बाद भी उस कार्य को, उसके परिणाम को प्रभु अर्पण कर दें और एक अभ्यास करें, मैं आत्मा इस देह द्वारा करा रही हूँ। ऐसा नहीं कि कोई सारा दिन आपको ये सब याद करते रहना है, सवेरे बहुत अच्छी तरह एक बार अभ्यास कर लें, कर्म क्षेत्र पर जाते समय एक बार अभ्यास कर लें, कर्म जब समाप्त होता है तब एक बार ये अभ्यास कर लें, तो बहुत ही अनाशक्त स्थिति रहेगी, हम स्वयं को बंधनों से मुक्त महसूस करेंगे। तो हमें ब्राह्मण सो फरिश्ता बनना है, अपने स्वरूप को देखें बहुत अच्छी तरह, अपने को ही देखें और एक संकल्प दें, मैं फरिश्ता हूँ, मैं पवित्रता का फरिश्ता हूँ, तो मेरे अंग अंग से पवित्र किरणें फैल रही हैं, मैं आत्मा अलग चमक रही हूँ मस्तक में, मुझसे भी पवित्र किरणें फैल रही हैं और मेरे अंग अंग से भी पवित्र किरणें फैल रही हैं, और अपने को थोड़ा देखें, मैं धरती से ऊपर हूँ, बिल्कुल लाइट, जैसे लाइट
का स्वरूप धारण कर मैं कहीं भी आ जा सकती हूँ, आ जा सकता हूँ, ऐसा बहुत अच्छा अनुभव करेंगे। तो ये न सोचेंगे कि फरिश्ता बनना तो बहुत कठिन है, पर ये संकल्प करेंगे मैं पवित्रता का फरिश्ता हूँ, इस धरा पर अवतरित हुआ हूँ ईश्वरीय कार्यों में सहयोग देने के लिए। तो आप सबको बहुत बहुत थैंक्स। ओम शांति।